वेलकम बैक दोस्तों, आज हम लोग आए हैं जन्हा फॉल। यहाँ पे हम लोग अपने गाड़ी पार्क कर दिए हैं और अभी देखिए शानदार दृश्य है। अभी जन्हा फॉल का एंट्री है, ये सारे व्हीकल्स वगैरह खड़े हैं। ये देखिए जलप्रपात जाने का रास्ता है, ये समझ गए। इधर से आप रास्ते में जा सकते हैं, वहाँ पे ये सीढ़ियों का इस्तेमाल करके इस रास्ते से आते हैं। उधर से आप जाके देखिए, ये भांजे श्री प्रतीक बाबू उधर जा रहे हैं। उधर से नहीं जाना है ना? युवराज किधर से जाना है बताइए, रास्ता किधर है? उधर है जलप्रपात, उधर से जाना है। हाँ तो कैसा है वाटर प्रपात, कैसे क्या होता है उधर, क्या जाना है? हाँ अभी हम लोग देखिए, ये है रास्ता उधर से सबके। अभी हम लोग आए हुए हैं घूमने के लिए और अभी नीचे जा रहे हैं हम लोग वाटरफॉल की तरफ। ये बहुत अच्छा ये रोड बनाया हुआ है, देखिए बहुत घने जंगल के बीच में है। यहाँ दीदी लोग बैठी हुई है। सुहाना सुहाने मौसम जिसमें हम लोग ऑक्सीजन पूरी भरपूर ले सकते हैं, तो कृपया यहाँ पधारे और यहाँ आके। हाँ तो अभी ले चलते हैं आपको, ये चिल्ड्रन पार्क है इस साइड, राइट साइड देखिए। यहाँ के आके फैमिली एंजॉय करते हैं। तो आज हम लोग मस्ती करेंगे, एक ट्रिप शॉर्ट ट्रिप है। आप देख सकते हैं जन्हा फॉल झारखंड के, वहाँ से रांची से करीबन 45 किलोमीटर दूर है और बहुत अच्छा वाटरफॉल है। आप देख सकते हैं यहाँ के जो क्राफ्टिंग है, जो लोकल क्राफ्टिंग है, आप आके ले सकते हैं। कितने का है भाई ये? ये 80 60 का है। आगे अच्छा, वो जो बना रहे हैं उसको देखिए। तो इस तरह से वहाँ क्राफ्टिंग होती है। देखिए ये भाई बना रहे हैं, एक तलवार बना रहे हैं वो। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं तलवार है, ये बच्चों को खेलने के लिए। ये टाइटेनिक जहाज है, ये बहुत अच्छे अच्छे आप देख सकते हैं हट बनाया हुआ, ये सनफ्लावर बनाया हुआ। तो ये लोकल क्राफ्ट है, लकड़ी वुडन से इन लोग बनाते हैं। आप आके इनका हेल्प कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, प्रमोट करिए इनके छोटे से मदद से, इनका रोजी रोजगार चलता है। बहुत अच्छा चीज़ है, इनको लेना चाहिए। अभी हम लोग भी आएंगे उधर से, खरीदारी करेंगे। पहले आपको घुमाते हैं पूरा ये वाटरफॉल। अभी बारिश हल्की हल्की बूंदा बूंदी हो रही है, तो हम लोग जाएंगे इस शेड के अंदर, इस शेड में अभी रहेंगे। बारिश हो रही है, यहीं से हमें वाटरफॉल की जो आवाज़ है वो सुनाई पड़ रही है। यहाँ से करीबन 1000 सीढ़ियाँ हैं, उसमें जाना पड़ेगा इधर से। बहुत हम लोग एक्साइटेड हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अभी तो हल्की हल्की बूंदा बारिश हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ये मेरे भांजे प्रतीक चिप्स लेके, ताकि थकावट होगी तो उसको खाएंगे। ये युवराज बाबू हाथों में बिस्किट लिए हुए अपने वाटर बॉटल को यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये अरविंद है, अरविंद मेरा दोस्त, और भांजे श्री छोटा भांजे श्री एक है गोदी में। हेलो हाय, पारो ये आपको ले चलते हैं अभी ये हमारे वाटरफॉल्स की तरफ। अभी जस्ट बारिश बूंदा बूंदी अभी छुट्टी है, तो अभी चलते हैं हम लोग वाटरफॉल की तरफ। बहुत आज पानी बहुत ज़्यादा ही होगा क्योंकि इसमें बारिश से जो नदियां हैं वो काफ़ी उफान मार रही है और काफ़ी भर गई है। तो आज पहले की अपेक्षा पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में गिर रहा होगा, तो मज़ा आएगा अभी देखने में। तो ले चलते हैं आपको रांची के और झारखंड के एक प्रसिद्ध जो वाटरफॉल है जन्हा प्रपात में, जन्हा फॉल ले चलते हैं। अभी चलते हैं, मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं उसमें। ये हज़ार सीढ़ियाँ हैं, हज़ार से ज़्यादा ही हैं। इससे अभी हम लोग उतर रहे हैं, ऐसे आपके चारों तरफ सीनेरियोज देखने को मिलेंगे। बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ देख सकते हैं, बहुत काफ़ी घना जंगल, और इस तरह से सीढ़ियों से उतर के जाना पड़ेगा। अभी आप सामने से आवाज़ सुनाई पड़ रहा होगा जन्हा फॉल का। कर चुके हैं और बीच में हमारी नानी अभी हमें शरबत पिलाएंगे, नींबू पानी बना रही है। तो आप देख सकते हैं इनका एक लकड़ी का ही बना हुआ एक प्यार है, जिसमें नींबू को रख के उसमें अभी इसमें निचोड़ेंगे, दिखा सकता है यहाँ पे। और अभी हम लोग नानी के जरिए अभी नींबू पानी पियेंगे, काफ़ी थक चुके हैं। कम से कम 100 सीढ़ियाँ उतर चुके हैं, उसी में अभी हालत गंभीर हो गई है। अभी नींबू पानी पियेंगे तो फिर से एनर्जी के साथ
अभी हम लोग एनर्जी लेके फिर से नीचे जाएंगे। ये झालमुड़ी है, चना है, मिक्सचर है, ये सब बनता है। आप लोग आइए, लुत्फ उठा सकते हैं, बहुत अच्छे जगह पे हैं अभी हम लोग। तो अभी हम लोग पियेंगे नींबू का पानी, युवराज भांजे। ये देखिए हम लोग अभी वाटरफॉल के नज़दीक पहुंच चुके हैं पूरा नीचे आने के बाद। अभी मेरी आवाज़ उतनी सुनाई नहीं पड़ेगी, आप अच्छे से इसका इंजॉय लीजिए, लुत्फ उठाइए काफ़ी ये ज़बरदस्त। आप अभी अपनी आँखों से जब आए के देखिएगा तो इसका जो ऊँचाई है काफ़ी ज़्यादा है। ऑफिशियली ये 44 मीटर्स ऐसे इसका ऑफिशियली दिखाता है। एंड अभी बरसात के सीज़न में आप इसका जो भरा पूरा पानी अभी आया हुआ है नदियों से, सामने से मैं लेके चल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर बारिश के बूंदे पड़ रही हैं, छीटा पड़ रही हैं। मेरे भांजे लोग इधर पर खेल रहे हैं। ये अरविंद है, उधर से आ रहा है, ये अपने बैग में लेस और खाने पीने का सामान लेके। आप नीचे आइए तो ज़रूर कुछ खाने पीने का लेके आइए, ताकि भूख लगे प्यास लगेगी तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो अभी एक पल के लिए इस वाटरफॉल का आप दर्शन कीजिए। यहाँ से देखिए अभी जो बूंदें निकल रही हैं आपको फोग की तरह दिखेंगी, आपको शायद दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ झरना से इधर देखिए किस तरह से बूंदें अभी हमारे पास आ रही हैं। ये जो पत्थर और मैं खुद अभी भीग चुके हैं इसके बूंदों से, पत्ते पूरे ग्रीनरीज हो गए हैं यहाँ पे, बड़े बड़े जंगल। और वाटरफॉल से पानी जो निकलता है सीधे इस पूर्वी छोर की ओर जाता हुआ, और यहाँ पे अच्छा खासा गवर्नमेंट ने व्यवस्था करा हुआ है एक रिजॉर्ट की भांति। आप आके यहाँ पे समय स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे खासे देखने के लिए देखिए बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ से नज़दीक से अपने छोटे वाटरफॉल, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं ना, राइट साइड जो हमारे जो ऊंचे प्रपात आ रहा है इसको आप भली भांति देख सकते हैं। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग मस्ती कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। सब फैमिलीज यहाँ बैठे हुए हैं, सब आके यहाँ पे समय बिताते हैं एक नेचुरल वातावरण प्रकृति में। ये जो सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की ओर ले जाती हैं, अभी हम लोग यहाँ पे कुछ समय बिताने के बाद वापस जाएंगे। अभी अरविंद अभी ये लेस निकाला है, अभी हम लोग फोटो सेशन करेंगे। लेस खिलाओ यार मुझे भी दो। अभी बारिश और बारिश में जोना पोल का जो दृश्य है आप देख सकते हैं, घनघोर बारिश हो रही है। सारे लोग अभी शेड में आ गए हैं, एक अच्छा सा शेड बनाया हुआ है यहाँ पे। हमारी मैडम अभी जा रही है बारिश में फोटो खिंचाने के लिए। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सुने से।